ये बताती है कि मैं आज भी अपना बचपन याद करती हूँ तो डर जाती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ ट्रांसजेंडर होने की वजह से बचपन में स्कूल से निकाल दिया गया था। मैंने जो ज़िंदगी में झेला है वो कोई नहीं झेल सकता था। क्या ट्रांसजेंडर होने की वजह से स्कूल से निकाला जाना सही है या फिर नहीं? दोस्तों, इनका क्या कसूर था जब ऊपर वाले ने ही इनको ऐसा बनाया है, तो इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा था? इनके साथ जो जिंदगी ने बदसलूकी की है वो शायद किसी के साथ हुई हो, क्योंकि इनको स्कूल से निकाले जाने के बाद यह ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने लगी थी और अपना जैसे तैसे गुजारा करने लगी। यह हमेशा से मुश्किलों से गुजरती रही, लेकिन एक खास बात थी इसमें कि मुश्किलों में इन्हें डांस करना बहुत पसंद था। मुश्किलों में डांस करने से इसे काफ़ी खुशी मिलती थी और यही खुशी एक दिन इसे ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाती है। डांस करते वक्त इसे एक परेशानी हमेशा झेलनी पड़ती थी कि डांस करते वक्त लोग इसका छक्का कहकर मजाक उड़ाते थे। लोग इनका बहुत मजाक उड़ाते थे और इन्हें हर जगह से भगा देते थे, लेकिन इसने भी ठान ली थी कि लोग मेरा कितना भी मजाक उड़ाए मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं, मुझे बस अपने ऊपर फोकस करना है, अपने करियर पर फोकस करना है। कुछ महीने तक डांस प्रैक्टिस करने के बाद यह मॉडलिंग शुरू कर देती है और मॉडलिंग इनकी लाइफ का सबसे बड़ा यू टर्न साबित होता है। मॉडलिंग शुरू करने के बाद इसे काम पे काम मिलता गया और इसने यहाँ से पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। बतौर ट्रांसजेंडर मॉडल अब इसे काम के साथ साथ खूब सम्मान मिलने लगा था। मॉडलिंग इसकी लाइफ का सबसे बड़ा यू टर्न साबित हुआ, जिसकी वजह से इन्हें सोशल मीडिया पर एक अलग ही पहचान मिली। आज के समय इनके इंस्टाग्राम पर 3.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पर 5.40 मिलियन सब्सक्राइबर। अब आप ही सोच लीजिए, जो लोग कभी इनका मजाक उड़ाते थे आज वो इनके लिए तालियां बजाते हैं और बड़े बड़े फंक्शनों में बुलाते हैं। पता चला समय का पहिया कैसे चलता है, जो लोग कभी मजाक उड़ाते थे आज वो तालियां बजाते हैं। यह भी अब अपनी लाइफ को काफ़ी खुश और दिल खोल कर जीती है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जिसे बताने से लोग शर्माते हैं, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं इस कहानी को। इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, लाइक जरूर करना। धन्यवाद।